बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी आंखों की रचना होने लग जाती है, उनकी कानों की आकार बनने लग जाती है, फेस की आकार बनने लग जाती है। क्योंकि कहा जाता है कहावत में कि जड़ मजबूत रहेगा तभी ही पत्ता ही हरियाली होगी, तो और तेज दिमाग का होगा सुंदर होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपकी प्रेगनेंसी भी स्वस्थ होगी। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शिशु की जो ग्रोथ है वो क्या होती है, शिशु की लंबाई क्या होती है, शिशु की वजन क्या होती है, शिशु की हार्ट बीट कब आती है पहली तिमाही में, इन सब सवालों का जवाब मैं आप सबको देने वाली हूँ। तो क्या आपकी भी पहली प्रेगनेंसी होने वाली है, आपकी भी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आप सबको पता है कि पहले महीने प्रेगनेंसी जब होती है किसी महिला को पता नहीं होती है कि वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं, क्योंकि पीरियड जब मिस होता है उसके बाद ही पता चलता है, तब तक जो है प्रेगनेंसी का पहला महीना समाप्त हो चुकी होती है। उस समय शिशु की जो आकार होती है वो एक मान लीजिए कि बीन्स के बीज के बराबर होती है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराते हो, अल्ट्रासाउंड कराते हो 6 वीक पे, तो आपकी बेबी का जो है धड़कन आने लगती है। उस समय आपकी बेबी का हार्ट बीट की रफ्तार कम से कम 140 से 180 के बीच में होती है। 6 वीक के बाद जब शिशु की हार्ट बीट आ जाती है, उसके बाद जो शिशु की आकार होती है थोड़ी सी बढ़ने लग जाती है। आकार बढ़ने के साथ साथ उनके हेड का भाग अलग हो जाता है और बॉडी की भाग अलग हो जाती है। सबसे पहले उनकी जो रचना होती है रीढ़ की हड्डियों से शुरू होती है। पहले या दूसरे महीने में आपको समझ में नहीं आएगा कि बच्चे का पार्ट कौन सा अंग में क्या है, कौन से पार्ट में कौन सी अंग है, क्योंकि बच्चे की विकास होती है जो रीढ़ की हड्डियों से शुरू होती है। दूसरे महीने का लास्ट तक ये पार्ट जो है 2 भागों में हो जाती है, जो एक सिर की होती है एक बॉडी की होती है। उसके बाद उस समय शिशु की लंबाई जो होती है 2 से 4 इंच के बीच में होती है, उतना ही आकार में शिशु की पूरी बॉडी की आकार होती है। स्कैन करके आपको दिखाया जाता है, जैसे आपको लगता है कि बच्चे का भाग जो है बहुत बड़ा दिख रहा है, बच्चे की बॉडी जो है बड़ा दिख रहा है, वो सब स्कैन के जरिए आपको दिखता है। तीसरे महीने की बात करूँ तो दूसरे महीने की अपेक्षा तीसरे महीने शिशु की लंबाई बढ़ चुकी होती है, आकार में भी परिवर्तन हो चुका होता है। तीसरे महीने में प्रेग्नेंट लेडीज का थोड़ा सा पेट भी दिखने लग जाता है, जैसे कि लगता है वो प्रेग्नेंट हैं। इस समय तक शिशु का आकार जो होते हैं एक संतरे के बराबर हो जाता है। उनकी जो हार्ट बीट होती है उनमें उतार चढ़ाव आते रहती है, कभी थोड़ी सी कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपकी दिनचर्या होगी, जैसे आप खान पान खाएंगी, हेल्दी भोजन लेंगी, वैसा ही शिशु की हार्ट बीट भी ऊपर नीचे होती रहती है। उसी प्रकार आपकी हेल्दी भोजन जैसे होंगी, आपके भोजन जैसे हेल्दी होंगी या फास्ट फूड होंगी, आप जैसे भी भोजन खाएंगे उसी प्रकार से शिशु का ग्रोथ बहुत तेजी से होगा या धीरे धीरे होगा, आपके ऊपर वो निर्भर करता है। क्योंकि आप जैसे खाना खाएंगे उसी प्रकार जो है आपके शिशु के पास आपके जरिए खाना जाएगा और शिशु का जो है पोषण होगा। इसलिए आपको बहुत सटीक ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में, आपको क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि पहले तिमाही में कौन से फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, भोजन में कौन सी भोजन लेना चाहिए, मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। तीसरे महीने में शिशु की जो है सर का आकार थोड़ी सी बढ़ जाती है, बॉडी की आकार की अपेक्षा सर का आकार जो होता है बहुत बड़ा दिखता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आपको लगेगा कि देखने से कि बॉडी छोटी है और सर का आकार जो है बड़ा है, तो ऐसा ही होता है। शिशु का विकास रीढ़ की हड्डियों के साथ साथ अब सर का विकास भी शुरू हो जाता है, क्योंकि सर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी आंखों की रचना होने लग जाती है, उनकी कानों की आकार बढ़ने लग जाती है, फेस की आकार बढ़ने लग जाती है, और बॉडी में बात करूँ तो उनकी हाथों पैरों की आकार जो है बढ़ने लग जाती है, उंगलियों की रचना जो है बनावट है होने लग जाती है। प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी 3 महीने में जो है बेबी का बनावट आकार पूरी तरह से हो जाता है। जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर लगता है शिशु के विकास में और तेजी से बढ़ोतरी होने लग जाती है। तो आपको पहले ही प्रेगनेंसी अच्छे से खान पान पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे से रहनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कहावत में कि जड़ मजबूत रहेगा तभी ही पत्ता ही हरियाली होगी, तो इसलिए आप पहले तिमाही में ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो बच्चे का विकास भी अच्छे तरीके से होगा और तेज दिमाग का होगा, सुंदर होगा। कि इस वीडियो की नॉलेज आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी, इस वीडियो से कोई आपको डाउट होगी तो प्लीज कमेंट जरूर करके पूछिएगा, आपके मन में क्या ऐसे प्रश्न हैं जो वीडियो देखने के बाद आ गए हैं, जरूर कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक अगले नॉलेजेबल वीडियो में आप सबके लिए, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का।